हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन क्वांटम मैकेनिक्स। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का इम्पोर्टेंट लेक्चर है एग्जाम की दृष्टि से। इससे पहले लेक्चर्स में अपन पढ़ चुके हैं श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। आज अपन बात करेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन क्वांटम मैकेनिक्स, यानी क्वांटम मैकेनिक्स में कक्षीय कोणीय संवेग। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, एक तो होता है अपने पास मोमेंटम, छोटी क्लासेज में अपन पढ़ते हैं, वो होता है पी इक्वल्स टू एम वी। एम है पार्टिकल का मास और वी है वेलोसिटी। एक होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को अपन जैसे भी लिखते हैं और वो एम वी आर होता है। अब अपन बात करते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। जैसे अपने पास कोई बॉडी है और वो बॉडी इस एक्स एक्स के अराउंड मोशन करती है। जैसे ये कोई पार्टिकल है, ये बॉडी है अपने पास, कोई सिस्टम है, और अपने को पता है कि कोई भी क्लासिकल बॉडी या क्वांटम जो बॉडी है वो एंथ नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी रहती है। यानी इस बॉडी के अंदर कई पार्टिकल है। किसी पार्टिकल का मास है वो अपन मान लें एम वन है, उसका वेलोसिटी वी वन है। किसी पार्टिकल का मास एम टू है, उसकी वेलोसिटी वी टू है। किसी की मास एम टू है, वेलोसिटी वी थ्री है। यानी ये पूरी जो बॉडी है इस एक्सेस के अराउंड मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन। वो बॉडी अपने को पता है कि एंथ नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। उसमें जो पार्टिकल है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मासेस के हैं। तो प्रत्येक पार्टिकल का आप मोमेंटम निकालिए। तो पहले पार्टिकल के मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम निकलता है मास इंटू वेलोसिटी। तो फर्स्ट पार्टिकल का मास एम वन, उसकी वेलोसिटी वी वन, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वन वी वन। सेकेंड का एम टू वी टू, थर्ड का एम थ्री वी थ्री। अपने क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, यानी दिस इज सम ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंट मोमेंटम। जैसे इसका मोमेंटम एम वन वी वन है, इसका मोमेंटम एम टू वी टू है, इसका मोमेंटम एम टू वी थ्री एम थ्री वी थ्री है। इन सभी को आप ऐड कीजिए और उनका जो एडिशन होगा, सम जो होगा इनका, वही है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो ध्यान रखना है, यदि कोई बॉडी किसी एक्स के चारों ओर मोशन करती है तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके मोमेंटम का जो योग है वही क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं एल इक्वल्स टू, और ये होता है मोमेंटम को और पोजीशन का क्रॉस प्रोडक्ट। एल इक्वल्स टू होता है आर क्रॉस पी। ये अपन बेसिक यहां तक जानते हैं। अब इस एल को, यानी ये एल एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, एल एक्स वाई डायरेक्शन में कितना होगा और जेड डायरेक्शन में कितना होगा, इसको अपने को फाइंड आउट करना है इन क्वांटम मैकेनिक्स। यानी एल एक्स एल वाई और एल जेड की वैल्यू कितनी होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर जो मोमेंटम है वो होता है एल इक्वल्स टू आर क्रॉस टी। यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन वेक्टर। यानी मोमेंटम का आप पोजीशन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, तब जो वैल्यू आएगी वो होगी एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कक्षीय कोणीय संवेग। और क्वांटम मैकेनिक्स में अपन जानते हैं, इन क्वांटम मैकेनिक्स पी जो होता है एक ऑपरेटर है अपने आप में, और इसकी वैल्यू होती है माइनस आईटा एच लाइन डेल। डेल यहां पर ऑपरेटर है विच हैव वैल्यू आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। एक एनर्जी का भी होता है, अपन क्वांटम में पढ़ चुके हैं, ई इक्वल्स टू होता है आईटा एच लाइन डेल बाय डेल टी। इस मोमेंटम पी की वैल्यू मैं यहां रखूं तो एल इक्वल्स टू अपने पास क्या हो जाएगा, आर क्रॉस,
और माइनस आयुटा एच लाइन डैश, क्या क्या आपने पी की वैल्यू पुट की है। यह आयुटा एच लाइन ये कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं माइनस आयुटा एच लाइन, और क्रॉस प्रोडक्ट किसका, आर क्रॉस डेल, क्रॉस प्रोडक्ट होगा आर क्रॉस डेल। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, वेहर आर जो है अपना मैथमेटिक्स में नॉर्मली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और यहां से अपना आर स्क्वेयर निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, आर स्क्वेयर बराबर होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ये अपन मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, प्योर मैथमेटिकली टॉपिक है। आर स्क्वेयर कैसे निकालेंगे, आर डॉट आर कीजिए, तो आर डॉट आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, सेम का सेम के साथ करेंगे तो एक्स 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 स्क्वेयर वाई 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 स्क्वेयर और जेड इंटू जेड स्क्वेयर, और यहां का जो डेल है ये एक ऑपरेटर है विच हैव वैल्यू आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई और प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ये वैल्यू अपन जानते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में अपने को एक्स एक्स डायरेक्शन के अलोंग वाई डायरेक्शन के अलोंग और जेड डायरेक्शन के अलोंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चाहिए। एक्स डायरेक्शन के अलोंग बात करें तो ये होगा एल एक्स, वाई डायरेक्शन के अलोंग एल वाई और जेड डायरेक्शन के अलोंग एल जेड। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में अपन सोल्व करते हैं, एल इक्वल्स टू है माइनस आइटा एच लाइन आर क्रॉस डेल, इस आर क्रॉस डेल की वैल्यू है वो मैट्रिक्स सारणिक से निकलेगी, और सबसे पहले अपन वैल्यू निकालते हैं आर क्रॉस डेल की, और आर क्रॉस डेल की वैल्यू अपने को निकालने आती है आई कैप या जे कैप और यहां लिखेंगे के कैप, और मैट्रिक से इसकी वैल्यू निकालें तो आर की वैल्यू है एक्स वाई और जेड, और डेल की वैल्यू है डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। इस मैट्रिक्स को अपन सोल्व करें तो आई कैप के मल्टीपल में क्या आएगा, इसको सोल्व करना आता है मैट्रिक्स को, तो आई कैप के कॉलम को छिपाएंगे और रो को छिपाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वाई डेल बाई डेल जेड, बीच में क्या आता है माइनस, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जेड डेल बाई डेल वाई प्लस, फिर आता है प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इस कॉलम को छिपाएंगे इस रो को छिपाएंगे, मल्टीपल अब की बार पहले ये होगा जेड डेल बाय डेल एक्स माइनस और एक्स डेल बाय डेल जेड एक्स डेल बाय डेल जेड, और फिर प्लस ये ऐसे होता है प्लस माइनस और प्लस, ध्यान रखना इसको। और के कैप वाले कॉलम को रो को, तो एक्स को इसके साथ करेंगे एक्स डेल बाय डेल वाई और माइनस वाई डेल बाय डेल एक्स, फिर इसको अपन ने बीच वाले को उल्टा मल्टीप्लाई किया तो इसको यहां प्लस ही रखेंगे प्लस माइनस प्लस, तो देखो प्लस और माइनस करते हैं ना, तो माइनस करेंगे तो जे कैप वाले कॉलम को रो को छिपाएंगे तो एक्स डेल बाय डेल जेड फिर माइनस जेड डेल बाय डेल एक्स होगा, लेकिन यहां मैंने प्लस ही रखा इसलिए इसको उल्टा गुणा किया बीच वाले का, ध्यान रखना। अब यहां से ये आर क्रॉस डेल जो है इसकी वैल्यू अपन ने निकाली, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज तो इसको तीनों डायरेक्शन के अलोंग अपन लिखें एल को, एल जो है सो एल एक्स डायरेक्शन के अलोंग क्या होगा, ये एक्स ये वाई और ये पूरा जेड,
आई कैप जो होता है वो एक्स डायरेक्शन में होता है, आपको पता है। जे कैप जो होता है वाई डायरेक्शन में, और के कैप होता है जेड डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन की अपन बात करें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आई टाइज कट तो सभी के मल्टीप्लाई में, फिर रखें अपन वैल्यू आर क्रॉस डेल की, ये पूरी वैल्यू रखें। तो ये पूरी वैल्यू न रख के मैं इसको कंपोनेंट में डिवाइड करता हूँ, तो एक्स कंपोनेंट इसका क्या होगा, एल एक्स, केवल एक्स कंपोनेंट काम में लेना है। तो माइनस आईटा एच लाइन आर क्रॉस डेल की वैल्यू केवल एक्स डायरेक्शन के लो, आर क्रॉस डेल की वैल्यू केवल एक्स डायरेक्शन के लोंगी है, तो इनटू में वाई डेल बाय डेल जेड माइनस जेड डेल बाय डेल वाई। वाई डायरेक्शन के लो जे कैप होता है वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन के लोंगी है, तो माइनस आईटा एच लाइन आर क्रॉस डेल की वैल्यू वाई डायरेक्शन में जेड डेल बाय डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाय डेल जेड, एंड जेड डायरेक्शन के लो माइनस आईटा एच लाइन और जेड डायरेक्शन के लो के कैप एक्स डेल बाय डेल वाई माइनस वाई डेल बाय डेल एक्स। ये वैल्यू अपन ने इक्वेशन फर्स्ट में पुट की, तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो आया एल एक्स, वाई डायरेक्शन के अलोंग क्या है एल वाई, और जेड डायरेक्शन के अलोंग क्या है एल जेड। तीनों की वैल्यू अपन ने इसमें पुट की है। इसको अपने कह देते हैं इक्वेशन नंबर पूरे को सेकंड, एल एक्स एल वाई और एल जेड तीनों को। अब अपने को वैल्यू निकालनी है एक्स वाई और जेड, फिर इसमें डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, वो वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन टू में अपन पुट करेंगे, तब अपने को पता चलेगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन पढ़ चुके हैं, तो वी नो दैट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, यानी अपन ये बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो क्या है, एक्स इक्वल्स टू क्या होता है आर कोस थीटा साइन फाई, और y इक्वल्स टू क्या होता है r sin थीटा sin phi, और z इक्वल्स टू क्या होता है r cos थीटा। y इक्वल्स टू क्या होता है r sin थीटा sin phi, और z इक्वल्स टू क्या होता है r cos थीटा। ये रिलेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है एक्स वाई जेड, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है आर थीटा और फाई। ये रिलेशन अपन मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्री फिजिक्स में भी अपन पढ़ते हैं इसको, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी अपन पढ़ते हैं इसको। अब देखो अपने को वैल्यू चाहिए एक्स वाई जेड की, तो हो गई अपने पास, यहां पुट करें। अब अपने को डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड इनकी वैल्यू चाहिए इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले अपन बात करें कि अपने को लिखना हो डेल बाय डेल एक्स, इसकी वैल्यू चाहिए, फिर डेल बाय डेल वाई की, फिर डेल बाय डेल जेड। तो डेल बाय डेल एक्स की अपन वैल्यू कैसे निकालें, देखो डेल बाय डेल एक्स, एक्स जो है वो आर थीटा और फाई तीनों के ऊपर डिपेंड करता है, आर थीटा और फाई के ऊपर। तो इसको अपन पार्शियली डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं डेल बाय डेल आर और इनटू डेल आर बाय डेल एक्स, लिख सकते हैं डेल एक्स से डेल एक्स, डेल आर से डेल आर कैंसिल, क्या बचेगा डेल बाय डेल एक्स। थीटा की टर्म में इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, डेल बाय डेल थीटा और इनटू डेल थीटा बाय डेल एक्स, तो क्या बचेगा डेल थीटा बाय डेल बाय डेल एक्स, थीटा की टर्म में थीटा थीटा कैंसिल। फाई की इसको टर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल फाई
और इंटू डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई से डेल फाई कैंसिल। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है जो डिपेंड करता है आर थीटा और फाई के ऊपर, तो क्या आएगा प्लस और प्लस, यानी डेल बाय डेल एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसमें एक्स डिपेंड करता है आर थीटा और फाई के ऊपर, उसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहां डेल आर से डेल आर कैंसिल, तो क्या बचेगा डेल बाय डेल एक्स, थीटा के रेस्पेक्ट में करें तो डेल थीटा से डेल थीटा कैंसिल डेल बाय डेल एक्स, फाई के रेस्पेक्ट में तो डेल फाई से डेल फाई कैंसिल डेल बाय डेल एक्स, इसको अपन बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन कब करते हैं मैथमेटिक्स में, जब अपने क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करती है टू और मोर देन वेरिएबल, और सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएशन है तो उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन में न लिखकर उसको ऑब्जेक्ट डिफरेंशिएशन में लिखते हैं। यदि अपना एक्स केवल आर थीटा और फाई में से किसी एक के ऊपर डिपेंड करता तो अपन इसको डेल बाय डेल एक्स न लिख के डी बाई dx लिखते हैं, उसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। अब यहां अपना r थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड करता है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखेंगे, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी इस इक्वेशन थर्ड से, थर्ड में देखो डेल बाय डेल एक्स है, इसकी वैल्यू अपन पहले निकालेंगे फिर वो इसमें इक्वेशन टू में पुट करेंगे। एक्स वाई जेड तो अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई और जेड, लेकिन अपने को डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड चाहिए इनमें वैल्यू रखने के लिए। तो डेल बाय डेल एक्स की अपन बात करें तो अब आपको इस इक्वेशन में दिख रहा होगा कि अपने को क्या क्या निकालना है। तो डेल बाय डेल एक्स की अपन बात करें तो सबसे पहले चाहिएगा अपने को डेल आर बाय डेल एक्स, फिर निकालना है डेल थीटा बाय डेल एक्स, फिर निकालना है डेल फाई बाय डेल एक्स, वो वैल्यू यहां पुट करेंगे, फिर वैल्यू आएगी डेल बाय डेल एक्स की, वो यहां पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन वैल्यू निकालते हैं किसकी, एक्स वाई और जेड जो है इन तीनों का आप स्क्वेयर कीजिए, यानी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर, और तीनों को ऐड कीजिए, यानी क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर, इन तीनों को ऐड करें तो अपने पास क्या आएगा। यहां ये तरीका है डेल आर बाय डेल एक्स निकालने का, आगे मैं डेल थीटा बाय डेल एक्स का तरीका निकालूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि केवल दो का स्क्वेयर कीजिए, फर्स्ट जो दो टर्म है यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ही कीजिए। आगे मैं डेल फाइव बाय डेल एक्स निकालूंगा तो ये कहूंगा केवल x का स्क्वेयर कीजिए। तो ये अपने आप में, ये मान लीजिए आप एक मेथड है डेल आर बाय डेल एक्स निकालने का मेथड है कि x, y और z तीनों का स्क्वेयर करके आप ऐड कीजिए। डेल थीटा बाय डेल एक्स निकालने का मेथड है कि फर्स्ट दो का आप स्क्वेयर कीजिए और ऐड कीजिए, यानी x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर। डेल फाइव बाय डेल एक्स निकालने का मेथड है कि आप केवल फर्स्ट का स्क्वेयर कीजिए, तो एक एक टर्म घटती जाएंगी, वैल्यू आती जाएंगी डेल थीटा बाय डेल एक्स डेल फाई बाय डेल एक्स। तो कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू रखें तो क्या आएगी, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाई प्लस वाई स्क्वेयर करेंगे तो आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाई प्लस आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, सभी में आर स्क्वेयर कॉमन, कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाई और प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, या फिर अपन देखें तो ये वैल्यू बचेगी आर स्क्वेयर, क्योंकि यहां देखो आप सेम वैल्यू आएगी तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर क्या होता है, आर स्क्वेयर होता है। तो यहां से निकाल लीजिए, यहां से नहीं निकालो तो अपन डायरेक्ट भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ये लिखते हैं, क्योंकि ऊपर बता चुके हैं आर बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो आर स्क्वेयर क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो अपन जानते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर क्या होता है, आर स्क्वेयर होता है।
जी डायरेक्ट भी अपन लिख सकते हैं क्योंकि काफी बार अपन इसको पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में भी। एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो बाय डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में जीरो और जेड के रेस्पेक्ट में जीरो, और एक्स स्क्वेयर का क्या होगा 2x, आर स्क्वेयर का क्या होगा 2r। अब यहां देखो y और z का अपने जीरो किया लेकिन r स्क्वेयर का अपने 2r किया, बिकॉज r जो है वो फंक्शन है x y एंड z तीनों का, r जो है वो x y और z तीनों का फंक्शन है, इसलिए r का x के रेस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, y के रेस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा और z के रेस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा, तो यहां इसको जीरो नहीं कर सकते। r का केवल x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा डेल r बाई डेल x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से अपने को वैल्यू चाहिए डेल आर बाय डेल एक्स की, तो कितनी आएगी वो डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से 2 कैंसिल और डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी एक्स बाय आर, एक्स अपॉन आर। एक अपने को फिर सिमिलरली डेल आर बाय डेल वाई की चाहिएगी, सिमिलरली डेल आर बाई डेल जेड की थी, क्योंकि अपन डेल अपॉन डेल वाई निकलेंगे ना यहाँ से, तो अपना डेल बाई डेल आर डॉट डेल आर बाई डेल वाई, तो डेल आर बाई डेल वाई की भी थी, जेड के रिस्पेक्ट में निकलेंगे ना डेल बाई डेल जेड, तो डेल बाई डेल आर डॉट डेल आर बाई डेल जेड, तो डेल आर अपॉन डेल जेड भी थी, तो तीनों को मैं एक साथ लिखता हूँ। देखो डेल आर बाई डेल एक्स की आई है एक्स अपॉन आर, वाई के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो डेल आर बाई डेल वाई वो क्या आएगी एक्स की जगह y अपॉन आर, एंड z के रेस्पेक्ट में क्या आएगी डेल आर बाई डेल जेड वो आएगी z बाई आर, ये तीनों अपने को निकाल लेनी है, एक ही निकाल के देखना। देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी x अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी x की जगह y अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो एक्स की जगह जेड, ठीक है, ये तीनों वैल्यू अपने पास आ गई। अब अपने अपना जो टारगेट है वो रहेगा डेल थीटा बाय डेल एक्स निकालने का, जैसे डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाला तीनों का स्क्वेयर करके ऐड किया, तो कोई भी दो का स्क्वेयर करके ऐड कीजिए वहां से निकल जाएगा, फिर अपन ने केवल डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाला, वाई और जेड के रिस्पेक्ट में उनको डायरेक्ट लिखा, तो ऐसे ही मैं केवल डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालूंगा, क्योंकि यहाँ एक ही इक्वेशन लिख रखी है अपन ने डेल वाई डेल वाई और डेल वाई डेल जेड वो नहीं लिखी है अपन ने, काफी लेंथी हो जाएगा, तो वो सिमिलरली करके उसको डायरेक्ट लिखेंगे, तो डेल थीटा बाय डेल एक्स निकालूंगा, फिर डेल थीटा बाय डेल वाई और डेल थीटा बाय डेल जेड को डायरेक्ट लिखेंगे, तो कोई भी स्टार्टिंग के दो का अपन स्क्वेयर करेंगे। तो देखो क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, डेल थीटा बाय डेल एक्स, तो एक्स का स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर ऐड कर दीजिए, एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर दोनों को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो डेल थीटा बाय डेल एक्स की वैल्यू निकलेगी, वो कैसे निकलेगी ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाई, प्लस वाई स्क्वेयर करेंगे तो आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाइव, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसकी वैल्यू क्या आएगी आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव या थीटा, ये कोस थीटा साइन फाइव ये साइन थीटा कोस फाइव, एक्स बराबर क्या होता है आर साइन थीटा
कॉस वाई, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो आर स्क्वेयर साइन का साइन स्क्वेयर थीटा और कोस स्क्वेयर फाई ऐसे हो गए। अब देखिए दोनों में ध्यान रखना x बराबर क्या होता है आर साइन थीटा कोस फाई, वाई बराबर आर साइन थीटा साइन फाई, बाकी सही है। तो इसका स्क्वेयर करें ऐड करें तो दोनों में कॉमन कौन आ रहा है आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, तो आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई, दिस इज वन। ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अपन इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2x, y का 0। इसको अपने को फर्स्ट सेकंड मान के करना पड़ेगा। तो अपन इसको सोल्व करते हैं, आर स्क्वेयर का क्या होगा 2r डेल r बाई डेल x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज यानी साइन स्क्वेयर थीटा एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज, और देखो यहां साइन थीटा है, और प्लस आर स्क्वेयर एज इट इज और साइन स्क्वेयर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा साइन स्क्वेयर थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा का तो आएगा 2 साइन थीटा का फिर कोस थीटा और थीटा का फिर डेल थीटा बाय डेल एक्स, ध्यान से करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो साइन स्क्वेयर थीटा का आएगा 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का क्या होगा कोस थीटा और थीटा का क्या होगा डेल थीटा बाय डेल एक्स, ये होगा डिफरेंशिएशन। और यहां से डेल थीटा बाय डेल एक्स चाहिए आपको, डेल थीटा बाय क्या चाहिए डेल एक्स, देखो एक तो 2 से सभी में कैंसिल हो रहा है 2, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस में है क्वांटिटी इस साइड में आएगी माइनस में, ये मल्टीपल में है तो ये किस में आएगी डिवाइडेशन में, तो एक्स ये प्लस क्या है माइनस आर और डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू एक्स बाई आर, तो इसको क्या लिखेंगे एक्स बाई आर और आर से आर कैंसिल तो केवल क्या बचेगा एक्स साइन स्क्वेयर थीटा, ये डेल थीटा बाय डेल एक्स की वैल्यू निकाल ली तो आर स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर सॉरी साइन थीटा कोस थीटा और किसकी वैल्यू आ जाएगी डेल थीटा बाय डेल एक्स, क्या किया आपने डेल थीटा बाय डेल एक्स की वैल्यू निकाली, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एक्स ये प्लस की टर्म है इस साइड में आएगी माइनस की आर और डेल आर बाय डेल एक्स की वैल्यू अपन रखेंगे एक्स बाय आर, तो वो आर से आर कैंसिल केवल एक्स बचेगा साइन स्क्वेयर थीटा डेल थीटा बाय डेल एक्स की गुणा में है आर स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा और ये आ जाएगा भाग में। अब देखो एक्स ऊपर वाले में कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आएगा अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन आर स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू डेल थीटा बाय डेल एक्स। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा को मैं क्या लिखता हूं कोस स्क्वेयर थीटा, एक्स 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा को लिखता हूं मैं कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन आर स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू डेल थीटा बाय डेल एक्स, लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा को, एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कैंसिल और कोस बटा साइन क्या होता है साइन बटा कोस टेन, टेन का उल्टा कोट, तो यहां से डेल थीटा बाय डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी एक्स अपॉन आर स्क्वेयर और कोस थीटा बटा साइन थीटा
दिस इज कोट थीटा। ये वैल्यू आई अपनी डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की, ऐसे ही डेल थीटा अपॉन डेल वाई की क्या वैल्यू आएगी? सिमिलरली डेल थीटा अपॉन डेल वाई की क्या आएगी? एक्स की जगह वाई कीजिए तो वाई अपॉन आर स्क्वेयर और कोट थीटा। लेकिन डेल थीटा अपॉन डेल जेड की वैल्यू ऐसे नहीं आएगी, वो अपने को निकालनी पड़ेगी। देखो डायरेक्ट मत लिख देना यहां से, अब मैं इसको एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी अपने को, क्योंकि इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं यहां तक। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। अब देखो मैं डेल थीटा बाय डेल जेड को डायरेक्ट नहीं लिख सकता यहां, क्योंकि जेड अपना फाई का फंक्शन नहीं है, देखो केवल आर और थीटा का। अपने पास क्या है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो जेड इक्वल्स टू क्या है अपना, आर कोस थीटा। आपको ध्यान तो हो ही गया क्या निकालना है अपने को, इसमें ये वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। तो जेड बराबर आर कोस थीटा, तो इसका जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में किया था अपन ने, इसका वाई के रेस्पेक्ट में, अबकी बार अपने क्या चाहिए डेल थीटा बाय डेल जेड, तो जेड के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, जेड का जेड के सापेक्ष वेक्टर। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी डेल आर वाई डेल जेड, सेकंड एज इट इज यानी कोस थीटा एज इट इज, प्लस अब की बार आर एज इट इज और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा का डेल थीटा बाय डेल जेड। तो यहां से वैल्यू निकलेगी डेल थीटा बाय डेल जेड की, डेल थीटा बाय डेल एक्स, डेल थीटा बाय डेल वाई, और यहां से डेल थीटा बाय डेल जेड की वैल्यू निकालिए। तो देखो ये वन माइनस, ये इस साइड में आएगा तो माइनस का आएगा, और डेल आर अपॉन डेल जेड, डेल आर अपॉन डेल जेड जेड बाई आर, तो जेड बाई आर कोस थीटा, क्योंकि यहां प्लस का इस साइड में माइनस का, क्या क्या डेल आर बाय डेल जेड की वैल्यू रखी, और ये डेल थीटा बाय डेल जेड के मल्टीप्लाई में है, माइनस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा किसकी वैल्यू, डेल थीटा बाय डेल जेड की वैल्यू। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जेड बराबर क्या लिखता हूं मैं, जेड बराबर क्या होता है आर कोस थीटा, तो यहां से लिखूं वन माइनस जेड बराबर आर कोस थीटा, लिखूं तो आर से आर कैंसिल, कोस थीटा और आएगा कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन वन सॉरी माइनस आर साइन थीटा इक्वल्स टू डेल थीटा बाई डेल जेड, और यहां से डेल थीटा बाई डेल जेड कितना आएगा, वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है साइन स्क्वेयर थीटा, ऊपर आ गया साइन स्क्वेयर थीटा, नीचे एक साइन थीटा है कैंसिल, तो ऊपर एक साइन थीटा बचेगा, माइनस तो ये बचेगा, ये बचेगा साइन थीटा अपॉन आर। तो डायरेक्ट नहीं लिखना, ध्यान रखना है डेल थीटा बाय डेल एक्स, एक्स अपॉन आर स्क्वेयर कोट थीटा। सिमिलरली लिखिए डेल थीटा बाय डेल वाई, क्योंकि एक्स और वाई तो आर थीटा और फाई तीनों पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्ट करके ऐसे मत लिख देना, डेल थीटा बाय डेल जेड बराबर हो जाएगा जेड बाय आर स्क्वेयर कोट थीटा, दिस इज रॉन्ग, और पूरी इक्वेशन है अपनी गलत हो जाएगी। तो डेल थीटा बाय डेल जेड अपने को निकालना है। अब देखो यहां से डेल आर बाय डेल एक्स निकाल लिया, डेल बाय डेल वाई में क्या चाहिएगा डेल आर अपॉन डेल वाई, वो भी निकाल लिया, डेल बाय डेल जेड में क्या चाहिएगा यहाँ डेल आर अपॉन डेल जेड, वो भी निकाल लिया अपन ने, ऐसे ही डेल थीटा बाय डेल एक्स निकाल लिया, डेल थीटा बाय डेल वाई भी निकाल लिया, डेल थीटा बाय डेल जेड भी निकाल लिया। अब बारी है डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड। सबसे पहले कैसे निकाला था अपन ने, डेल बाय डेल डेल आर अपॉन डेल एक्स, तीनों को स्क्वेयर करके एड किया, डेल बाय डेल डेल थीटा बाय डेल एक्स कैसे निकाला, फर्स्ट दो का स्क्वेयर करके एड किया, डेल फाई अपॉन डेल एक्स कैसे निकालेंगे, केवल पहले का स्क्वेयर करेंगे एक्स स्क्वेयर।
या अपन यहां से एक्स इक्वल से भी निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वेयर करके भी निकाल सकते हो, काफी सारे मेथड हैं। अपने को एक ही ध्यान में रखना है, जो एग्जाम में अपने को ध्यान रहे। देखो इसके तो ऐसे कई तरीके हैं, मेथड है, लेकिन मेथड एक ही मेथड आपको ध्यान रखना है। ज्यादा मेथड से निकालेंगे तो कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है थोड़ा। तो नाउ एक्स इक्वल टू क्या है अपना, आर साइन थीटा कोस फाई। एक्स इक्वल टू क्या है, आर साइन थीटा कोस फाई। एक्स इक्वल आर साइन थीटा कोस फाई, किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें, डेल फाई अपॉन डेल एक्स। तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, क्योंकि फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इसका बाय डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं मैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन। देखो इसको मानो फर्स्ट, केवल आर को, साइन थीटा कोस फाई को सेकंड। देखो तीन का मल्टीपल है यहाँ, तो डिफरेंशिएशन अच्छे से करना पड़ेगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करें तो डेल आर बाई डेल एक्स, सेकंड एज इट इज यानी साइन थीटा कोस फाई एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड पूरा है दो के मल्टीपल में, तो डिफरेंशिएशन डेल बाई डेल एक्स साइन थीटा कोस फाई, ऐसे ही होगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड ऐसा कैसा, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब इसका देखो यहां से ध्यान से, फर्स्ट सेकंड मान के दोबारा करना पड़ेगा, तो इसको फर्स्ट सेकंड मान के और करते हैं अपन। फर्स्ट सेकंड मान के करो, देखो वन, और डेल आर बाय डेल एक्स को मैं यही लिख देता हूं, डेल आर बाय डेल एक्स को क्या लिख देता हूं, चलो बाद में लिख देते हैं, एक बार लिख देते हैं, डेल आर बाय डेल एक्स साइन थीटा कोस फाई प्लस आर फर्स्ट एज इट इज, या फर्स्ट का कर दीजिए पहले साइन थीटा का कोस थीटा, और थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में डेल थीटा बाई डेल एक्स प्लस फर्स्ट एज इट इज साइन थीटा ऐसा कैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो कोस फाई का क्या आएगा, माइनस साइन फाई, और फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डेल फाई बाई डेल एक्स। आर तो पूरे के साथ मल्टीपल है। अब यहां डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है, डेल थीटा बाय डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है, और किसकी वैल्यू मिल जाएगी अपने को, डेल फाई अपॉन डेल एक्स। दोनों की वैल्यू पुट कीजिए एक बार, अच्छे से करना है। डेल आर बाय डेल एक्स क्या बेचारा, डेल आर अपॉन डेल एक्स है अपने पास एक्स अपॉन आर, साइन थीटा कोस फाई प्लस आर कोस थीटा, डेल थीटा बाय डेल एक्स क्या है, डेल थीटा बाय डेल एक्स, डेल थीटा बाय डेल एक्स एक्स अपॉन आर स्क्वेयर, एक्स अपॉन आर स्क्वेयर कोट थीटा माइनस साइन थीटा साइन फाई डेल फाई बाई डेल एक्स। क्या किया अपन ने, डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू लिखी। अब अपने को वैल्यू निकालनी है कैसे भी करके डेल फाई बाई डेल एक्स की, डेल फाई बाई डेल एक्स, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकालते हैं अपन। स्पेस कम है थोड़ा, तो डेल फाई, एक तो डेल थीटा अपॉन डेल जेड है ना, इसकी वैल्यू चाहिए अपने को, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके पास ही, डेल थीटा बाय डेल जेड है वो कितना आया हुआ है अपना, माइनस साइन थीटा अपॉन आर, इसको ध्यान रखिएगा। और
इसको मैं यहां से मिटाना पड़ेगा मेरे को। अब देखिए अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, डेल फाई बाई डेल एक्स, ये ले डेल फाई बाई डेल एक्स। तो देखो ध्यान से, ये प्लस की क्वांटिटी ही आएगी साइड में माइनस की, तो वन माइनस एक्स अपॉन आर साइन थीटा कोस फाई। अब देखो एक ये आर इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस का, तो ये भी साइड में आएगा माइनस, क्या आएगा आर कोस थीटा और एक्स बाई आर स्क्वेयर कोट थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस और आर मल्टीप्लाई, ये डेल फाई अपॉन डेल एक्स के मल्टीपल में है तो डिवाइड में आएगा, इस पूरे के डिवाइड में क्या आएगा माइनस आर ये वाला आर साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई। अब देखो काफी लेंथ ही हो गया तो इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे बेचारे को। एक तो आर से आर कैंसिल, एक्स बाई आर इसमें भी है कॉमन ले लेते हैं, तो डेल फाई बाई डेल एक्स वन माइनस एक्स बाई आर कॉमन, यहां बचेगा साइन थीटा कोस फाई माइनस एक्स बाई आर कॉमन आ गई, आर कैंसिल हो गया था, कोस थीटा कोट थीटा को अपन क्या लिखते हैं, कोट थीटा को अपन लिखते हैं कोस थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा को अपने क्या लिखते हैं, कोट को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, देखो कोस थीटा कोट थीटा को लिखते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा, और ये है माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। अब इसको ऊपर वाले को देखो, साइन थीटा एलसीएम ले अपन, सोल्व करना पड़ेगा, इसके नीचे वन माने, साइन थीटा अपन एलसीएम ले ले लेते हैं इसमें, क्या देखो डेल फाई बाई डेल एक्स मैथमेटिक्स है अच्छी खासी, माइनस एक्स बाई आर, ऊपर वाले में कॉमन कौन आ रहा है साइन थीटा, साइन थीटा कॉमन लेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वेयर थीटा कोस फाई माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, और पूरे के मल्टीप्लाई में क्या है माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। अब एक थोड़ा सा अपने को ध्यान और रखना पड़ेगा, काफी लंबी प्रोसेस है। एक देखिए x की वैल्यू रखिए, एक बार x की वैल्यू क्या है अपने पास r sin थीटा cos फाई, x की वैल्यू क्या है r sin थीटा cos फाई, करते हैं इसको सॉल्व, आर साइन थीटा कोस फाई। और
ये साइन थीटा तो नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वेयर थीटा काफी लंबी प्रोसेस है, तो डेल फाई बाय डेल एक्स वन माइनस एक्स की जगह क्या रखते हैं आर साइन थीटा कोस फाई, आर से आर ये कैंसिल, क्योंकि एक्स की जगह क्या रखेंगे आर साइन थीटा कोस फाई, आर से आर कैंसिल, तो क्या बचे साइन थीटा कोस फाई। एक साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल ये वाला, क्योंकि मल्टीपल में ही देखो एक्स की जगह क्या रख रहे हैं आर साइन थीटा कोस फाई, तो आर से आर कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, दिस इज कोस फाई। तो ये कोस फाई अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वेयर थीटा, एक कोस फाई पहले से है एक एक्स वाला कोस फाई, तो कोस स्क्वेयर फाई माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, और कोस फाई और अपोन में माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। अब देखो इसमें इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें कि प्लस और माइनस, और साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा वन, कोस थीटा और साइन थीटा इसको अपन सोल्व करें, हाँ देखो आप इसको सोल्व करोगे सीधी से मैथमेटिक्स मैं आपको बता देता हूँ, ये वन इसको खोलो माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर फाई और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वेयर थीटा कोस फाई, और कोस स्क्वेयर फाई वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर फाई, कोस स्क्वेयर फाई अपन कॉमन ले, कोस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, तो इसको आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको आर ऊपर आना चाहिए अपना साइन थीटा अपॉन आर साइन फाई। ऊपर आना चाहिए साइन फाई और अपोन में आर साइन थीटा, ये वैल्यू आएगी डेल फाई अपॉन डेल एक्स की माइनस आर साइन फाई और अपॉन आर साइन थीटा। ध्यान रखिएगा इसको अच्छे से सोल्व कीजिएगा ये वैल्यू को, तभी ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी माइनस साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा। अब अपने को वैल्यू चाहिए डेल फाई बाई डेल वाई की, एक तो ये वैल्यू ध्यान रखिए ये वैल्यू किसकी है डेल फाई बाई डेल एक्स की। सिमिलरली डेल फाई बाई डेल वाई जो है वो क्या आएगा, देखो साइन फाई किसका आएगा माइनस कोस फाई, तो माइनस माइनस प्लस कोस फाई अपॉन आर साइन थीटा, एंड कल डेल फाई अपॉन डेल जेड पढ़ने को चाहिएगा, तो जेड है वो फाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो दिस इज जीरो, तो ये आएगा जीरो। ये तीनों वैल्यू की आपको जरूरत पड़ेगी यहां। अब अपन क्या करेंगे कि इक्वेशन तीन को ध्यान से देखिए, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है अपने पास, डेल आर अपॉन डेल एक्स की, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है अपने पास, और डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी है अपने पास, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे अपन, तो स्पेस ये वाला
तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स इसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो साइन फाई आएगा और कोस फाई आएगा, उसका अपोजिट आएगा, माइनस की जगह प्लस और साइन की जगह कोस, वो डिफरेंशिएशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में इसका, तो आपको पता चल जाएगा। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ तक ठीक है अपना काम, काफी लंबी प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन कीजिएगा आप अच्छे तरीके से, कहीं मिस्टेक नहीं होगी, मेथड आपको पता है। अब देखिए इक्वेशन थर्ड को, इक्वेशन थर्ड इंप्लाइज, यानी पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड, तो डेल बाय डेल एक्स, किसकी वैल्यू डेल बाय डेल एक्स इक्वल्स टू डेल बाय डेल आर, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, एक्स अपॉन आर। क्या है अपने पास डेल बाय डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर प्लस डेल बाय डेल थीटा, डेल बाय डेल थीटा और डॉट डेल थीटा बाय डेल एक्स, डेल थीटा बाय डेल एक्स क्या है एक्स अपॉन आर स्क्वेयर कोट थीटा, एक्स अपॉन आर स्क्वेयर कोट थीटा प्लस डेल बाय डेल फाई डॉट डेल फाई बाय डेल एक्स की वैल्यू, डेल फाई बाय डेल एक्स की वैल्यू माइनस साइन फाई ये अपॉन आर साइन थीटा। तो ये डॉट प्रोडक्ट में ये मैं सोचिए डेल बाय डेल आर इसके ऊपर ऑपरेट है, डेल बाय डेल थीटा इसके ऊपर ऑपरेट है या डेल बाय डेल फाई, अब तीनों में कॉमन क्या रहा है, तीनों में कॉमन लेंगे अपन एक्स अपॉन आर। एक्स अपॉन आर अपन कॉमन लेंगे, तो डेल बाय डेल एक्स अपॉन आर अपन बाहर लिखते हैं। अभी देखो मल्टीपल में है, इसको मल्टीपल में कैसे भी लिख सकते हैं, ये डिफरेंशिएशन जो ऑपरेट नहीं है इनके ऊपर, जैसे डेल बाय डेल आर डॉट एक्स अपॉन आर है, इसको मैं ये भी लिखता हूँ एक्स अपॉन आर डॉट डेल अपॉन डेल आर, एक ही बात है, एक्स अपॉन आर कॉमन लिया तो यहां बचा डेल अपॉन डेल आर प्लस एक्स अपॉन आर कॉमन लिया तो वन अपॉन आर बच गया और कोट थीटा बच गया और इंटू में क्या बच गया डेल बाय डेल थीटा प्लस, देखो यहां एक्स अपॉन आर नहीं था तो एक्स ऊपर कॉमन लिया तो डिवाइड हो जाएगा आर बाहर आ जाएगा और ये है माइनस प्लस माइनस माइनस साइन फाई और एक एक्स आएगा क्योंकि इसमें एक्स नहीं है वो अपन ने कॉमन लिया है एक्स साइन थीटा आर तो आ गया और इंटू में डेल अपॉन डेल फाई यही वैल्यू आएगी। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर फोर, ये अपने पास डेल अपॉन डेल एक्स की आई है केवल। और देखिए सिमिलरली डेल बाय डेल वाई को क्या लिखोगे, एक्स की जगह वाई, वाई अपॉन आर डेल बाय डेल आर प्लस वन अपॉन आर कोट थीटा डेल बाय डेल थीटा और यहां की वैल्यू क्या थी वो कोस के टर्म में आएगी अपनी ना, ये माइनस साइन फाई की क्या था प्लस कोस फाई डेल फाई, यहां देखिए वाई डेल बाय डेल एक्स लिखेंगे, डेल बाय डेल वाई क्या लिखेंगे इसको सिमिलरली लिख ही देता हूं मैं, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, डिफरेंशिएशन वगैरह है इसमें,
तो कहीं मिस्टेक ना हो जाए। x की जगह क्या आएगा, y, डेल अपॉन डेल r प्लस 1 अपॉन r कोट थीटा डेल बाय डेल थीटा। देखो माइनस साइन फाई की जगह यहां क्या था, डेल फाई बाय डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या थी, प्लस कोस फाई अपॉन आर साइन थीटा थी, प्लस कोस फाई एक्स की जगह वाई साइन, ध्यान रखना माइनस साइन की जगह कोस फाई, प्लस कोस फाई आया, जस्ट अभी निकाला था आपने इक्वेशन फाइव। और डेल बाय डेल जेड जो है वो थोड़ा डिफरेंट आएगा, देखो क्या आएगा, डेल बाय डेल जेड लिखू मैं इसी प्रकार से, एंड डेल बाय डेल जेड लिखें, तो डेल बाय डेल जेड लिखें तो ये टर्म जीरो होगी भाई, क्योंकि डेल फाई अपॉन डेल जेड क्या था अपना, जीरो, क्योंकि जेड है वो फाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो ये टर्म, ये थर्ड वाली टर्म जीरो हो जाएगी, दो ही टर्म आएंगी, वाई किसके क्या आएगा, जेड बाई आर डेल बाय डेल आर प्लस वन अपॉन आर कोट थीटा डेल बाय डेल थीटा। और इसकी वैल्यू भी लगाई थी अपनी, देखो डेल बाय डेल जेड को क्या लिखता हूं, डेल बाय डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल जेड, ठीक है ये वैल्यू हो गई अपने पास, प्लस डेल बाय डेल थीटा, और डेल थीटा बाय डेल जेड रखें तो डेल थीटा बाय डेल जेड अपने पास क्या है, देखो डेल बाय डेल थीटा बाय डेल जेड लिखें तो माइनस साइन थीटा अपॉन आर, और जेड अपॉन आर अपने बाहर ले रखा है तो एक तो जेड से मल्टी डिवाइड हो जाएगा ही, तो माइनस साइन थीटा अपॉन जेड आएगा, क्या आएगा, माइनस साइन थीटा बाय जेड और डेल बाय डेल थीटा, इक्वेशन सिक्स ध्यान से करना, देखो एक तो ये टर्म नहीं आएगी इसमें, डेल थीटा बाय डेल जेड की वैल्यू ध्यान से देख लीजिए, डेल थीटा बाय डेल जेड क्या, माइनस साइन थीटा अपॉन आर, बाहर जेड ले रखा है तो जेड है वो यहां डिवाइड में आ जाएगा यहां। अब देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू है अपने पास, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू अपने निकाल ली, तो इक्वेशन चार पांच और छह को पुट करना है इक्वेशन टू में, तो एल एक्स आ जाएगा, एल वाई आ जाएगा, एल जेड, दिस इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन क्वांटम मैकेनिक्स, एक्स डायरेक्शन क्या लूंगा, वाई डायरेक्शन क्या लूंगा और जेड डायरेक्शन क्या लूंगा, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन टू। काफी लंबा लेक्चर है, putting values of equations 4, 5 and 6 into तो equation 2 में देखिए Lx equals to, Lx जो है क्या है, minus eta h line, minus eta h line, y की वैल्यू r sin theta sin phi, r sin theta sin phi इंटू में डेल बाय डेल जेड, डेल बाय डेल जेड इंटू में है, तो डेल बाय डेल जेड इंटू में है तो क्या आएगा, जेड बाई आर इसके मल्टीपल में है डेल बाय डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन जेड डेल बाय डेल थीटा, ये तो यहां तक हो गया, फिर माइनस जेड, फिर माइनस जेड डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई क्या है, वाई अपॉन आर
मल्टीपल में है ये, क्या है वाई अपॉन आर, वाई अपॉन आर और इसके मल्टीपल में ये होगा, यानी डेल बाई डेल आर प्लस वन अपॉन आर कोट थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस कोस फाई अपॉन वाई साइन थीटा और डेल अपॉन डेल फाई। तो क्या आएगा देखिए ध्यान से, एल एक्स इक्वल्स टू माइनस आईटा एच लाइन देखिए ये R से एक तो R कैंसिल, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई और जेड। क्या आएगा साइन थीटा साइन फाई और जेड और इनटू में क्या आएगा डेल बाय डेल आर माइनस, इसको इसके साथ और मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा इनटू साइन थीटा साइन स्क्वेयर थीटा इनटू साइन फाई और ये जेड है ये इससे कैंसिल तो इनटू में डेल बाई डेल थीटा, इसको तो अपने सोल्व कर लिया। फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो जेड वाई अपॉन आर डेल बाई डेल आर प्लस माइनस माइनस क्या जाएगा जेड वाई, इसको इसके साथ और मल्टीप्लाई करें, देखो ये वाई अपॉन आर भी मल्टीप्लाई है इसके साथ और जेड भी पूरे के साथ मल्टीप्लाई, तो जेड वाई अपॉन आर इंटू आर आर स्क्वेयर कोट थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y से y कैंसिल तो क्या आएगा z cos phi, z cos phi ये माइनस प्लस माइनस आएगा भाई, y कैंसिल होएगा अपॉन में क्या आएगा r sin थीटा r sin थीटा और डेल बाई डेल फाई ये माइनस आइटा एच लाइन पूरे के साथ मल्टीप्लाई। अब देखो एक्स वाई जेड की अपने वैल्यू रखनी तो यहां वैल्यू देखो वाई की वैल्यू मैं रखू तो वाई की वैल्यू क्या होती है आर साइन थीटा साइन फाई, ध्यान से देखिए आर साइन थीटा साइन फाई तो ये क्या हो जाए जेड आर साइन थीटा साइन फाई बाई आर डेल बाई डेल आर किसका है माइनस का, सेम टर्म है प्लस की जेड आई आर से आर कैंसिल यहां हो गया साइन थीटा साइन फाई साइन थीटा साइन फाई इंटू डेल बाई डेल आर इंटू डेल बाई डेल आर ये प्लस का ये माइनस का तो ये टर्म तो अपनी कैंसिल होगी। अब इसको देखिए ध्यान से इसमें एक्स वाई जेड है ही नहीं कुछ लिख नहीं सकते अपन तो एल एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा माइनस आईटा एच लाइन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा साइन फाई डेल बाय डेल थीटा ये ऐसा कैसा माइनस देखो जेड और वाई की वैल्यू रखो जेड बराबर क्या होता है आर कोस थीटा जेड बराबर वाई की वैल्यू क्या है आर साइन थीटा साइन फाई
क्या है, आर साइन थीटा साइन फाई अपोन में क्या है आर स्क्वेयर, इसके मल्टीपल में क्या है कोट थीटा डेल बाई डेल थीटा, ठीक है। माइनस जेड बराबर क्या होता है आर कोस थीटा इंटू कोस फाई अपोन में क्या है आर साइन थीटा इंटू डेल बाई डेल फाई। अब देखो आर इंटू आर आर स्क्वेयर कैंसिल, साइन थीटा कोस थीटा साइन फाई, एक यहां देखो आर से आर कैंसिल, कोट को क्या लिखता हूं मैं कोस अपोन साइन, तो अब देखो इसको एल एक्स इक्वल्स टू माइनस आईटा एच लाइन ये टर्म देखो अपने इनमें देखो कॉमन आ रहा है कुछ, कोट को मैं क्या लिखता हूं कोट थीटा को कोस थीटा अपोन साइन थीटा, तो इसमें एक तो डेल बाय डेल थीटा कॉमन आ जाएगा डेल बाय डेल थीटा, अंदर देखो यहां क्या बचेगा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा साइन फाई, माइनस भी बाहर लेते हैं ले लेते हैं अपन, तो ये माइनस बार ले लिया प्लस ये डेल बाय डेल थीटा कॉमन लेंगे दोनों में प्लस ये क्या हो गया देखो कोस स्क्वेयर थीटा साइन थीटा, ये साइन थीटा कैंसिल, क्या बच गया साइन फाई और डेल बाय डेल थीटा दोनों में से बाहर, फिर माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा इंटू कोस फाई और डेल बाई डेल फाई। अब देखो साइन फाई दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा दिस इज वन, ये एल एक्स इक्वल्स टू क्या बचेगा माइनस आईटा एच लाइन, यहां माइनस अंदर साइन फाई जो कॉमन लेंगे दोनों में से डेल बाय डेल थीटा माइनस कोट थीटा कोस फाई डेल बाय डेल फाई, और इस पर इसको क्या लिखते हैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाए, तो एल एक्स की जो वैल्यू है अपने पास वो क्या मिलेगी आईटा एच लाइन साइन फाई डेल बाय डेल थीटा माइनस माइनस प्लस कोट थीटा कोस फाई डेल बाय डेल फाई, ये तो एक्स डायरेक्शन में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। अब वाई डायरेक्शन के अलोंग अपन डायरेक्ट लिखेंगे, इसको सोल्व नहीं करेंगे काफी लेंथी टॉपिक है ये। अब देखो थोड़ा ध्यान से एल वाई की वैल्यू है वो क्या लिखोगे आप, जहां भी एक्स दिखे इसमें वहां तो वाई लिखना है, साइन फाई की जगह माइनस कोस फाई लिखना है,
और कोस फाई की जगह प्लस साइन फाई लिखना है। तो एल वाई को मैं डायरेक्ट लिखूंगा आईटा एच लाइन, साइन फाई को क्या लिखोगे माइनस कोस फाई, डेल बाई डेल थीटा प्लस कोट थीटा, कोस फाई को केवल साइन फाई, साइन फाई को ही माइनस कोस फाई लिखना, ध्यान रखना, और डेल बाई डेल थीटा, ये वैल्यू आ गई एल वाई की। एल जेड की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट आएगी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड एल जेड की जो वैल्यू आप लिखोगे आईटा एच लाइन एक्स डेल बाई डेल वाई, आईटा एच लाइन एक्स की वैल्यू और डेल बाई डेल वाई की वैल्यू, फिर माइनस वाई डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू लिखोगे, तो कट कट आके जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आईटा एच लाइन डेल बाई डेल फाई, केवल इतनी वैल्यू बचेगी, ये सॉरी माइनस की बचेगी। कैसे आई, एक्स की वैल्यू डेल बाई डेल वाई की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू डेल बाई डेल एक्स, सारे कैंसिल हो जाएंगे, केवल बचेगा डेल बाई डेल फाई, बाहर है ये माइनस आईटा एच लाइन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है एक्स डायरेक्शन के अलोंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये वाई डायरेक्शन के अलोंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये जेड डायरेक्शन के अलोंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो जेड डायरेक्शन के अलोंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मीनिंग है कि जेड डायरेक्शन के अलोंग कोई पार्टिकल इस प्रकार से मूव कर रहा है, तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, LZ इक्वल्स टू माइनस आईटा एच लाइन डेल बाई डेल फाई। देखो ये एक ऑपरेटर की तरह काम करता है, तो इसको मैं LZ कैप भी लिख सकता हूँ, क्वांटम में इसकी वैल्यू होती है माइनस आईटा एच लाइन डेल बाई डेल फाई। जैसे अपन बात करें मोमेंटम की, तो पी कैप इक्वल टू क्या होता है माइनस आईटा एच लाइन डेल, ऐसे एनर्जी की बात करें ई कैप इक्वल टू क्या होता है आईटा एच लाइन डेल बाई डेल टी, ऐसे ही जेड डायरेक्शन में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर होता है माइनस आईटा एच लाइन डेल बाई डेल फाई। एग्जाम में इसके आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन पूछता है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपन, काफी लेंथी लेक्चर हो गया।